नमस्कार दोस्तों, मैं एलके गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, वीडियोज बनाने का मेरा उद्देश्य कानूनी प्रावधानों और नियमों को सरल भाषा में आप तक पहुँचाना है। कई बार देखा गया है कि कानूनी जानकारी के अभाव व प्रक्रिया के अभाव में पक्षकार धन व समय तीन गुना बर्बाद कर देते हैं। यदि व्यक्ति को सटीक जानकारी होगी तो उसका धन व समय बर्बाद नहीं होगा। आज की चर्चा का विषय है धारा 307 में राजीनामा। इस चर्चा को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। साथियों, बादी में अभियुक्त द्वारा गोली मारी गई, उसकी बांह में गोली की चोट लगी। अभियुक्त आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे, बहुत सारे मुकदमे उनके खिलाफ थे। अभियुक्तों ने बादी से राजीनामा करके हाई कोर्ट के सामने ये पिटीशन दायर किया कि हम दोनों के बीच में मामला सुलझ गया है, राजीनामा हो गया है, इस आपराधिक कार्रवाई को खारिज कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने ये मान लिया और सारी कार्रवाई निरस्त कर दी। राज्य इसके खिलाफ अपील में गया और राज्य ने ये कहा कि हाई कोर्ट द्वारा बिना विचार किए वादी और अभियुक्त के राजीनामा के आधार पर एक गंभीर मामले को खत्म कर दिया, जो ठीक नहीं है। हाई कोर्ट को मूल्यांकन करना चाहिए, बिना मूल्यांकन किए निर्णय नहीं करना चाहिए। वादी अगर सपोर्ट नहीं करता है या अभियुक्त के साथ मिल गया है, तो क्या ऐसे मामलों में दोषसिद्धि यानी सजा नहीं हो सकती है? यह देखना है। अभियोजन अपने अन्य गवाहों को, अपने मेडिकल एविडेंस को, अन्य मेटेरियल एविडेंस को लेकर के प्रोसिक्यूशन स्टोरी को साबित कर सकता है। केवल राजीनामा होने से यह नहीं मान लेना चाहिए कि अब मामला साबित नहीं होगा, लिहाजा ऐसा मुकदमा चलाने का क्या फायदा है। यह स्थिति गलत है। एक वादी अगर मिल गया है, वादी ने राजीनामा कर लिया है, तो सारे मामले को राजीनामा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, राजीनामा कौन से मामलों में हो सकता है? धारा 320 सीआरपीसी गैर समनीय नॉन कंपाउंडेबल मैटर, इनको धारा 482 के अंतर्गत रद्द किया जा सकता है यदि मामले कॉमर्शियल डिस्प्यूट हैं, वाणिज्यिक लेन देन से संबंधित हैं, पारिवारिक विवाद हैं, व्यक्तिगत नेचर के विवाद हैं, पर्सनल मैटर हैं, तो ऐसे मामलों को खत्म किया जा सकता है, इन्हें चलाया जाना आवश्यक नहीं है। परंतु 482 के अंतर्गत ऐसे मामलों को रद्द नहीं किया जा सकता है, वो मामले जो गंभीर किस्म के हैं, जिनका समाज पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे मामलों को खत्म करने से समाज की व्यवस्था माहौल बिगड़ेगा। वो मामले डकैती, बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार से संबंधित आदि ऐसे मामले हैं जिन्हें राजीनामा के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, उन्हीं मामलों में हाई कोर्ट के समक्ष जाया जाए जिन मामलों में राजीनामा स्वीकार किया जा सकता है।
अनावश्यक रूप से भागदौड़ करके हाईकोर्ट तक भागना या अनावश्यक प्रयास करना कि पंचायतों के माध्यम से राजीनामा कराकर दबाव बना करके राजीनामा दाखिल करा देना घातक हो सकता है। कानूनी स्थितियां बदल रही हैं। एक वक्त था जब राजीनामा के आधार पर मामले खत्म कर दिए जाते थे, लेकिन न्यायालयों का विचार कुछ बदल रहा है। अनावश्यक रूप से राजीनामा या शपथ पत्र मुकदमों में दाखिल करना आपके लिए घातक हो सकता है, इसलिए प्लीज सही सलाह मशवरा से ही राजीनामे का प्रयास करें, अन्यथा आपके सारे प्रयास बेकार जा सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का स्वागत करूंगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, कमेंट अवश्य करें। ये बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं वो बातें मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बातें हैं। धन्यवाद।